1800 11 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। कंज्यूमर के लिए कानून है, लेकिन जो है इतने कड़े नहीं कि उसको लेकर जिम्मेदार कंपनियों को कोई डर हो। लेकिन अब सरकार सब कुछ बदलने जा रही है। अब डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए कंपनी को हर्जाना देना पड़ सकता है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्राहकों के हित से जुड़े जो सुझाव दिए हैं उनमें ये बात शामिल है। होंडा की कार में जरा सी खराबी आई और कंपनी ने उस सीरीज की दुनिया भर से सारी गाड़ियां कंज्यूमर से वापस बुला ली। किसी प्रोडक्ट में जरा सी खराबी से पूरे लॉट को वापस बुला लेना अमेरिका और यूरोप में आम है, लेकिन भारत में नहीं। पर शायद ऐसा नहीं चल पाएगा। सरकार घटिया सामान बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने ग्राहक की सेहत या सुरक्षा से जुड़े उत्पादों के लिए कड़े स्टैंडर्ड्स बनाने के नियम बनाए हैं। अब जहरीले पेंट वाले घटिया खिलौने जैसी चीजें उतारने वाली कंपनियों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी बनेगी जो सारे चीजों के स्टैंडर्ड तय करेगी। कोई भी बदलाव यदि आए, जो उपभोक्ता का पक्ष की बात है, तो उस बदलाव में कोई ना कोई चेंज जरूर होगा और कोई ना कोई मतलब फॉरवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड थिंकिंग जरूर आता है उससे। लेकिन आसार इस बात के हैं कि पंचवर्षीय योजना की तरह इस कानून के बनते बनते ही 5 साल ना निकल जाएं। योजना आयोग के इस प्रस्ताव को अगले महीने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में रखा जाएगा। इसके बाद कानून बनाने का सफर शुरू होगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कहीं ऐसा कोई ब्यूरोक्रेटिक एंगल ना आ जाए, अड़चन ना आ जाए कि जहां ब्यूरोक्रेसी चाहेगा कि इसका अथॉरिटी में चेयरमैन किसको नियुक्त किया जाए, कौन इसके मतलब पदाधिकारी लोग बनेंगे, किस ढंग का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको लेकर भी कभी कभी हम लोग देखे हैं कि बड़ा टाइम लग जाता है। योजना आयोग ने कंज्यूमर के हक में एक और ठोस सुझाव दिया है। MRTPC की जगह नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए। ये संगठन देखेगी कि कंपनियां कहीं ग्राहकों को ठग तो नहीं रही हैं और गलत विज्ञापन तो नहीं दिए जा रहे हैं। वैसे कंज्यूमर के हक के लिए बनाए जा रहे इस कानून में सर्विस सेक्टर पर खास जोर नहीं दिया गया है। पैकेज फूड जैसी कई जरूरी चीजों को भी इससे बाहर रखा गया है। नवेंदु शुक्ला के साथ सुमित चतुर्वेदी, दिल्ली। कंज्यूमर के हाथ में अभी कितनी ताकत है, नए नियमों से कितना फायदा होगा और कब तक लागू हो सकेंगे ऐसे कानून जो कंज्यूमर को उसका हक दिला सकें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीराम खन्ना जो कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग एडिटर हैं। मिस्टर खन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नए कानून लाने की बात हो रही है, लेकिन नए कानून लाने की नौबत क्यों आ रही है? क्या मौजूदा कानून काफी नहीं है? देखिए, जो कानून कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो कानून मुकदमेबाजी पर डिपेंड करते हैं, कंज्यूमर की अपनी मुकदमेबाजी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। और MRTP एक्ट को विड्रॉ किया जा रहा है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं जिनको लागू करने के लिए पहले एक डायरेक्टर जनरल का ऑफिस काम करता था, वो ऑफिस नहीं रहेगा इस काम के लिए। और तीसरा यह है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट में जो मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हम उम्मीद करते थे वो करेगी, वो नहीं कर पा रही है। इस कारण से एक वॉइड क्रिएट हो गया है कि जब तक कंज्यूमर शिकायत को मुकदमे में ना लेके जाए तब तक कोई रिलीफ नहीं आएगा, और मिलेगा रिलीफ तो उसी एक कंज्यूमर को, बाकी हजारों लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही सोचते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के कंज्यूमर अफेयर्स के वर्किंग ग्रुप ने ये रेकमेंड किया है कि नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए, और जो कि एक ऑफिस होगा जिसका काम कंज्यूमर लॉज को इम्प्लीमेंट करना होगा। आज कई सारे लॉज हैं परंतु उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नहीं है सिवाय कंज्यूमर के। और लखनऊ जैसी स्टेट कमीशन में 36,000 मुकदमे लंबित हैं, उनको 20 साल लग जाएंगे होते हुए, तो ये कारण है और इसका स्वागत करते हैं। जी, 36,000 मुकदमे लखनऊ में पेंडिंग है, 20 साल लगेंगे उनको उनका निपटारा होने में। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की हालत ऐसी नहीं है। खराब सामान को वापस मंगाने की जिस पॉलिसी पर भारत में अभी बात चल रही है, वो दुनिया भर की कंपनियों की पॉलिसी में बहुत पहले से है। मटेल, नोकिया, होंडा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के हाल के मामले के अलावा दुनिया भर में प्रोडक्ट रिकॉल किए जाते रहे हैं। नोकिया ने जब BL5C सीरीज वाली 4 करोड़ 60 लाख बैटरियां वापस मंगाई तो भारत में हड़कंप मच गया।
भारतीयों की जिंदगी पर सीधे असर डालने वाला किसी कंपनी का अब तक का यह सबसे बड़ा रिकॉल था। दूर संचार क्रांति की वजह से हर हाथ में मोबाइल पहुंच गया था और नोकिया भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल था। नोकिया की बैटरी मंगाने का ये मामला इस साल अगस्त में सामने आया। मामला सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ही नहीं है। अगस्त सितंबर महीने में ही बार्बी डॉल बनाने वाली मशहूर खिलौना कंपनी मटेल ने 5 हफ्ते में ही 4 बार अपने प्रोडक्ट वापस लिए। कंपनी को इन खिलौनों में मानक से ज्यादा लेड पाए जाने की शिकायत मिली थी। मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा मोटर्स को भी जब अपनी कार में कुछ तकनीकी शिकायतें मिली तो कंपनी ने दुनिया भर से 2.25 लाख से ज्यादा होंडा सिविक गाड़ियां वापस मंगा ली। ये मामला इसी साल 17 सितंबर का था। इसी साल मार्च में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर ने कार के एक मॉडल में फ्यूल पाइप में खराबी की बात सामने आते ही लाखों कारें तुरंत वापस मंगाने का ऐलान किया। जानी मानी कंप्यूटर कंपनी डेल ने अगस्त 2006 में खराबी की शिकायत पर 40 लाख नोटबुक कंप्यूटर बैटरियां वापस ले ली थी। इसी तरह जापानी कंपनी तोशिबा ने अपने लैपटॉप की कुछ बैटरियों में शिकायत मिलते ही 3,40,000 बैटरी वापस बुलाने में देरी नहीं की। IBM लेनोवो ने भी ऐसा ही किया था। कंपनी ने 5 लाख बैटरी वापस मंगा ली थी। ये तमाम मामले दुनिया की बड़ी कंपनियों के हैं। इतने बड़े पैमाने पर बिके हुए माल को वापस मंगाने में कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन कड़े क्वालिटी कानून की वजह से कंपनियां ऐसा करती हैं। साथ ही इससे कंपनी को अपने ब्रांड का भरोसा और स्टैंडर्ड को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर हमारे साथ श्रीराम खन्ना इस वक्त मौजूद हैं। खन्ना साहब, अगर नए प्रपोजल्स जो हैं वो लाए गए कंज्यूमर के लिए लाए गए तो फायदा कितना होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात फिर भी रह जाती है। देखिए, अगर यूएसए में जापानीज कंपनी अपना प्रोडक्ट रिकॉल करतल करती है, फोर्ड या कोई होंडा या कोई, तो उसका कारण केवल एक है कि वहां पर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन की फाइंडिंग हो जाती है और कंपनी को रिकॉल करना पड़ता है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। दुनिया भर से वो विड्रॉ कर ले, इंडिया से विड्रॉ नहीं करे। नोकिया का जो एग्जाम्पल है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि नोकिया ने वॉलंटरली किया, हालांकि उस पर कानूनी बाध्यता नहीं थी, और ये हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदाराना जो रवैया है कंपनीज का, ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। हिंदुस्तान में एक नए कानून की ज़रूरत है, क्योंकि एक वॉयड है। और मैं आपको बता दूं कि फूड में, खाने के क्षेत्र में, ये हमेशा रिकॉल का प्रोविजन रहा है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में, परंतु उसको ठीक तरह लागू नहीं किया गया। वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में रहा है, और कोई भी फूड रिकॉल का केस मैं तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि वो कानून 20-25 साल हमारे लॉ बुक पे रहा है। इसलिए हम स्वागत करते हैं कि यदि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एक नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाए और स्टैंडर्ड्स को कंपलसरी जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोडक्ट्स को रिकॉल करवाए या कॉम्पेंसेशन दिलाए या फाइन लगाए, तो ये कंज्यूमर्स को कचहरियों से बचाएंगे। और हजारों केस जो कचहरियों में जाते हैं इंडिविजुअली एक एक करके, वो कचहरियों पर लोड कम हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है, और हम इसका स्वागत करते हैं। चलिए खन्ना साहब, आपसे बातचीत हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन कंज्यूमर के हक और खराब माल पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के मौजूदा कमजोर कंज्यूमर कानून के बारे में। दुनिया में रिकॉल के इतने मामले आते हैं, पर भारत ऐसा नहीं होता। क्या यहाँ हर सामान की क्वालिटी इतनी शानदार है कि कोई प्रोडक्ट कभी खराब निकलता ही नहीं? नहीं, हकीकत यह है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड के हमारे कानून इतने कमजोर हैं कि कंपनी इसकी परवाह ही नहीं करती, जबकि कई देशों में तो किसी प्रोडक्ट के बारे में जरा सी खराबी कंपनियों की नींद उड़ा देती है। मशहूर अमेरिकी टॉय कंपनी मटेल के खिलौनों में ज्यादा लेड की बात सामने आई तो कंपनी ने सीरीज के सारे खिलौने वापस बुला लिए। लेकिन हमारे यहाँ की कंपनियाँ ऐसे किसी दबाव में नहीं आती हैं। देसी खिलौनों की क्वालिटी जानने के लिए एक एनजीओ टॉक्सिक लिंक के साथ बाजार में बिकने वाले खिलौनों की जांच कराई। पता चला कि करीब 65% खिलौनों में लेड काफी ज्यादा निकला, और तो और 14% खिलौने तो ऐसे निकले जो छोटे बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचाने वाले थे। ये पूरा खुलासा होने के बावजूद आज तक किसी भी भारतीय कंपनी ने अपने खिलौने वापस नहीं लिए। यही नहीं, सरकार ने भी खिलौनों में इस जहर के लिए कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब दूसरा मामला देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी नोकिया।
हर साल करोड़ों फोन बेचने वाली इस कंपनी के कुछ फोन की बैटरी में चार्जिंग के वक्त फटने की शिकायत आई। कंपनी ने दुनिया भर से 4.5 करोड़ बैटरियां वापस मंगा ली। खराब क्वालिटी की शिकायत आते ही कंपनियों के हरकत में आने की एक वजह है अमेरिका और यूरोप में सख्त कंज्यूमर कानून। कई बार तो खराब सामान पर लगने वाले जुर्माने की रकम करोड़ों डॉलर में होती है, लेकिन भारत में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कॉम्पेंसेशंस बहुत कम है, यानी जो ऑपोजिट पार्टी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे कैन हायर द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स, तो वो लोग अपील में जाएंगे। अभी कंज्यूमरों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपील में जाए, वापस उसके बाद रिव्यू में जाए, उसके बाद दिल्ली नेशनल कमीशन में जाए। कड़े कानून ना होने की वजह से कंपनियां क्वालिटी पर खास ध्यान नहीं देती। ढेरों मामले सामने आने के बावजूद कंपनियां रिकॉल तो क्या, रिप्लेसमेंट तक नहीं करती हैं। इसकी वजह ये है कि देश में कंज्यूमर कानून काफी नरम है। लोग अक्सर अदालतों के चक्कर से बचते हैं क्योंकि फैसला आने में 3 साल तक लग जाते हैं। ऐसे में कंपनियों पर जो दबाव बनना चाहिए वो बन नहीं पाता। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया के कुछ बड़े देशों में हर्जानी की रकम के मामलों की बात करें तो हाल में मर्क की दवा वियोक्स पर फैसला काफी अहम है। मर्क की दवा वियोक्स आर्थराइटिस के मरीजों के लिए बाजार में उतारी गई थी, लेकिन इस दवा के साइड इफेक्ट से लोगों को दिल के दौरे पड़ने की शिकायत मिली। दवा बाद में बाजार से वापस ले ली गई, लेकिन कंपनी को इस मामले में पीड़ितों को करीब 485 करोड़ डॉलर का जुर्माना देना पड़ा। अमेरिकी सिगरेट कंपनी फिलिप मॉरिस को भी लंबा चौड़ा हर्जाना देना पड़ा है। सिगरेट पीने वाले एक शख्स रिचर्ड बुकेन की शिकायत थी कि मार्लबोरो ब्रांड के सिगरेट पीने से उसे नुकसान हुआ है। बाद में लॉस एंजलिस की कोर्ट ने फिलिप मॉरिस को 300 करोड़ डॉलर चुकाने का आदेश दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। कर्नाटक में ग्राहक ने सिलेंडर में लीकेज की शिकायत मिलने पर गैस डिस्ट्रीब्यूटर और एचपीसीएल के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उपभोक्ता आयोग ने एचपीसीएल को आदेश दिया कि लापरवाही के लिए कंपनी ग्राहक को 25,000 रुपए मुआवजा दे। ये मामला भी राज्य उपभोक्ता आयोग तक खींचा, लेकिन जबकि अगर गैस लीकेज की वजह से ग्राहक के घर में हादसा हो जाता तो नुकसान काफी बढ़ सकता था। एक दूसरे केस में कर्नाटक के दावंगेरे में एक किसान ने ट्रैफिक डीलर से ट्रैक्टर खरीदा। ट्रैक्टर पर वारंटी पीरियड 6 महीने का था और इससे पहले ही ट्रैक्टर के इंजन में खराबी आ गई। बाद में डीलर ने मरम्मत की और उसके लिए 5,275 रुपए का बिल भी दिया, लेकिन ट्रैक्टर वारंटी पीरियड में था, इसीलिए ग्राहक ने बिल चुकाने से इनकार कर दिया। मामला खींचते खींचते नेशनल कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा, जहां खर्च के तौर पर ग्राहक को केवल 5,000 रुपए मिले, जबकि कंज्यूमर कोर्ट में लड़ाई काफी लंबी चली। और हमारे साथ इस वक्त खन्ना साहब मौजूद हैं। खन्ना साहब, जो नए प्रपोजल्स हैं इसकी, इनकी अगर बात करें, क्या ये काफी होंगे या फिर भी कुछ बाकी रह जाता है करना अभी भी? देखिए, जो नए प्रपोजल हैं ये उस ग्राउंड को कवर करेंगे जो कंज्यूमर कोर्ट्स का ग्राउंड कवर नहीं कर पा रही या बीआईएस नहीं कवर कर पा रही, और अगर ये कर भी दिया जाएगा तो भी कंज्यूमर कोर्ट्स को फुर्तीला और हैवी डैमेजेस और कॉम्पनसेशन अवार्ड करने के लिए जो करने की जरूरत है अभी तक नहीं हुई है। और कई प्रदेशों में कई सारे मुकदमे लंबित हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 से 5 साल, स्टेट कमीशन से 3 से 5 साल, नेशनल कमीशन में 3 से 5 साल, यानी कि 10-15 साल का मुकदमेबाजी का काम कंज्यूमर नहीं कर पाता है। और इसलिए ज़रूरत है कि कंज्यूमर कोर्ट्स के कानून को भी चेंज किया जाए, जिससे कि कंपनीज के ऊपर भारी जुर्माने और कॉम्पेंसेशन अवार्ड किए जा सकें, जो आज की तारीख में हमारी कचहरियाँ नहीं कर रही हैं। तो जो योजना आयोग सुझाव दे रही है वो स्वागत योग्य है, परंतु वो अकेले उसके कारण स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो खन्ना साहब, आपको लगता है कि उपाय उठाने पड़ेंगे, आपको लगता है कि सिर्फ कानूनों में बदलाव या नए कानून लाकर काफी नहीं होगा, कंपनियों को और भी सेंसिटिव होने की जरूरत है अपने ग्राहकों की तरफ? बिल्कुल, देखिए मैं तो इस बात को मानता हूं कि भय बिन प्रीत न हो, कंपनियों को कानून का डर रहना चाहिए, परंतु उन्हें काम स्वयं करना चाहिए और वो अपने आप उनकी मैनेजमेंट कंज्यूमर्स की नीड्स को समझ के अपनी पॉलिसीज को ऐसा ओरिएंट करें ताकि डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो बिना मुकदमा करे वो वापस कर दे, उसको रिप्लेस कर दे। अगर किसी कंज्यूमर का नुकसान हुआ है, उनकी पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हम इतना नुकसान आपका भरेंगे, और उनके एम्प्लॉयज और उनकी मैनेजमेंट इस बात में कंज्यूमर फ्रेंडली रहे। और मैं हमारा ये प्रयत्न है, हमारी जो शिकायतें आती हैं कंज्यूमर वॉइस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की कन्वर्जेंस प्रोग्राम में, करीब 70 कंपनियों के साथ हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बैठाया हुआ है कि भाई कचहरी नहीं जाएंगे कंज्यूमर, हम उसकी शिकायत आपके पास भेजेंगे, आप जो कर सकते हो हमें बता दो ताकि कचहरी में जाने की जरूरत ना पड़े।
जी बहुत शुक्रिया तो इस प्रकार का अप्रोच हाँ जी जी खन्ना साहब वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और बिकवाली के दबाव में टूटा शेयर बाजार मिड कैप इंडेक्स पर भी रहा दबाव